बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमन देपुर आपका स्वागत है बिशप अमृति मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे, आप चंगा छुटकारा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आपका भी सालों साल से सिर में दर्द है तो इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करने जा रहे हैं, आपका सिर का दर्द दूर होने वाला है। क्योंकि आज की महाराज जो प्रार्थना है यह कि अगर आपके सिर में दर्द है, सालों साल पुराना पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिर का दर्द, कई बार क्या होता है कि हमारे दादे परदादों से चलता आ रहा है, पीछे से चलता आता है कि उनके सिर दर्द था, बाद में पति के होता है, बाद में पत्नी के होता है, बाद में बच्चों के होता है, आगे बढ़ता 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 ये चलता रहता है ऐसा सिलसिला। और कई वजह से शरीर में रोगों की वजह से हमारे जो सिर में दर्द शुरू हो जाता है, या सिर में प्रॉब्लम होती है, या नस से कमज़ोर हो जाना, या गांठे हो जाना, बहुत सी वजह है सिर में दर्द की। लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके सिर के दर्द को जड़ से ख़त्म करे। और सब कुछ चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर, वो चमत्कारी परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम मनुष्य हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो आपके जीवनों में सब कुछ कर सकते हैं। वो आपके जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं और आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। और वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु महान है, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आज आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। और अगर आपके भी सिर का दर्द है तो अपने सिर पर हाथ रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप अगर किसी के लिए रिसीव कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए, अपने बहू के लिए, अपने लिए, तो रिसीव करें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाले। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। रब सल्लख रब नम राजों का राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है मेरे पिता, आप राजों का राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, चमत्कार करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में चमत्कार करो मेरे पिता, अपने सामर्थ्य को भेजो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके सिर में कोई भी गांठे हैं, कोई भी ब्रेन हेमरेज है मेरे पिता, कोई भी रोग है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बड़े से बड़ा रोग है मेरे पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि इसका इलाज नहीं है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, चमत्कार करने वाले परमेश्वर, इनके जीवन में चमत्कार करो, इनके जीवन में चमत्कार, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए, सारे सिर का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, इस सारे सिर का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, सारे सिर का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। अगर चिंताओं के कारण आपके ऊपर इस सिर का दर्द है, आज पिता परमेश्वर आपके हर तरह के बोझ, हर तरह के चिंताओं को दूर करते हैं, वो सर्वशक्तिमान आपके ऊपर से हर तरह की चिंताओं को दूर करते हैं और आपका सिर आज़ाद होता है हर एक रोग से और आप आज़ाद होते हैं हर एक दर्द से। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। ओ हालेलुया रब सल्लख रब नम उदया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, उनका जीवन में चमत्कार करो, उनका जीवन में चमत्कार होने पाए मेरे पिता, आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभुओं का प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी, उनका जीवन बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा सिर का दर्द इनका निकलने पाए, उनके सिर के गांठे गायब होने पाए, जो डॉक्टरों ने सिर का ऑपरेशन बोला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो सारा ऑपरेशन कैंसिल होने पाए और इनका सिर बिल्कुल चंगे होने पाए, ऐसा सिर का दर्द जो पीढ़ी पीढ़ी इनके ऊपर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये सारा सिर का दर्द निकलने पाए, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, आज चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, इनके जीवन में चमत्कार करें मेरे पिता, हर तरह का सिर का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन शरीर का शर्ड और निकल, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, जड़ से ख़त्म होने पाए, सारा दर्द जड़ से ख़त्म होने पाए, ये सारा दर्द जड़ से ख़त्म होने पाए। ओ हालेलुया रब सल्लख रब नमा, दया करने वाले परमेश्वर अपने दयावल हाथ को बढ़ाओ, अपने दयावल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनका सिर का दर्द ख़त्म होने पाए मेरे पिता, डिप्रेशन में जो भी सिर का दर्द है वो गायब होने पाए प्रभु के नाम से, इनके सिर में गांठे गायब होने पाए, ऑपरेशन सिर के कैंसिल होने पाए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनके सिर का दर्द चलता रहे ये दूर होने पाए, और दुष्ट आत्माओं के कारण अगर इनके इनके शरीर को उसने पकड़ रखा है उसकी वजह से इनका सिर फटता है, सिर में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये सारे दुष्ट आत्माएँ इनके शरीर में से निकलने पाए, इनके शरीर से निकलें और ये आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका सिर हल्का होने पाए प्रभु के नाम से। अगर किए कराए बंदरों के कारण इनके ऊपर
ऐसा हुआ कि इनका सिर पकड़े हुए हैं और ऐसा सिर दर्द होता है कि दीवार में कुछ लोग अपने सिर दीवार में मारते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने सिर के दर्द से और हर तरह के मैं दुष्ट आत्मा के बंधन आपके शरीर से निकालता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमें शैतान के हर एक सामर्थ्य पर अधिकार दिया हुआ है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका सिर का दर्द इसी समय छोड़ कर निकलने पाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, उठते सर ही उनका जो शरीर सिर का जो दर्द होने लगते हैं, उठते हैं उठते सर ही सिर भारी भारी हो जाता है। ऐसे कुछ मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ और निश्चय आज पिता परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिन्हें सुबह उठते हैं जिनके सिर में पेन शुरू हो जाता है, आज चंगाई का दिन है, आज छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये सारी बीमारियां, सारे रोग इस शरीर का शर्ट और निकल। चंगा करने वाले परमेश्वर अपने दयावल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, सारा सिर का दर्द गायब होने पाए। अगर आप किसके लिए रिसीव कर रहे हैं कि उनका सिर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, सिर में कोई बीमारी है, सिर का कोई रोग है, मैं आज प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं प्रॉफिट सुमंदी प्रार्थना करता हूँ, आपके सिर में जो भी रोग है, आपके सिरों का, आपके सिर का कोई भी रोग है, आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर को छोड़ कर निकल रहा है। आपके सिर का हर एक रोग, ये 5 मिनट की प्रार्थना के द्वारा आपके सिर का हर एक रोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आपके सिर का हर एक दर्द, आपके सिर की जो नसें कमज़ोर बताई डॉक्टरों ने, जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ डॉक्टर ने ऑयल लिख कर दिया सिर में, ऑयलिंग करो, ऐसे बहुत सी बातें। आज पिता परमेश्वर के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारी आपके सिर को छोड़कर, आपके शरीर को छोड़कर निकल रही है। और आप अभी से इस प्रार्थना को सुनते सुनते अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। आज कहीं कि प्रभु मुझे सिर की बीमारी से आज़ाद कर, मेरे बेटे को सिर की बीमारी से आज़ाद कर, मेरी बहू को सिर की बीमारी से आज़ाद कर, मेरे परिवार के लोगों को सिर की बीमारी से आज़ाद करो मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर इनका जीवन में चमत्कार होने पाए मेरे पिता। जो भी इस प्रार्थना को जब भी सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर और विश्वास से सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनका जीवन में चमत्कार होने पाए, ये सारे सिर का दर्द निकलने पाए, सिर का रोग निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। और निश्चय बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आने वाली है। आमीन।